पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार बीजेपी वर्सेस टीएमसी में शब्दावली का जो इस्तेमाल हो रहा है उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन साहब, बिहार से हैं, मंत्री हैं, लेकिन क्या हम ये कहें कि आप बंगाल में बाहरी हैं, बहिरागत हो? जब दीदी हमारे साथ थी, जब अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थी और मैं हवाई जहाज मंत्री था, तो दीदी पूरे नॉर्थ बंगाल में हम ही को घुमाती थी, तब तो हम बाहरी नहीं थे। जब वो बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी के लोग बाहरी नहीं दिखते थे, और हम तो किशनगंज के बगल के बराबर के हैं। क्या अपने ही देश में बाहरी हैं? बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो स्थानीय हो गया और हम लोग बाहरी हो गए अपने ही देश में। दीदी आज कुछ बिहार गई हैं, उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ संवेदना व्यक्त की है, कैसे देखते हैं क्या ये चुनाव पूरी तरह से अब हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू है राजनीतिक दल? हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही है, दीदी कर रही है। वो समझती हैं कि जो सिर्फ मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति वो कर रही है। हम तो नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम किसी को छोड़ कर नहीं चलते। जो भी बंगाली मानुष है, जो विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, असली परिवर्तन चाहता है, जो कटमनी से मुक्ति चाहता है, जो कोयला चोरी से मुक्ति चाहता है, वो हमारे साथ है। दीदी तो पहले पूरे बंगाल की दीदी थी, अब तो दीदी सिर्फ बुआ हो गई, अब वो भी सिर्फ अभिषेक की बुआ। आप ये बताइए कि यहाँ पर भी तो केंद्र में आपकी 6 साल 7 साल से सरकार है, यहाँ से 18 एमपी अभी हैं 1.5 साल, लेकिन 2014 से बंगाल में वो 3 बड़े काम क्या कर दिए मोदी सरकार ने? बहुत किए, पोर्ट में काम किया, रोड में काम किया, बंगाल के अंदर केंद्र सरकार ने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन क्या करें, देना चाहते थे आयुष्मान भारत का पैसा बंगाल की जनता के जेब में, दीदी ने वो लेने नहीं दिया। किसान के जेब में डालना चाहते थे पैसा, वो लेने नहीं दिया। जितनी योजना मोदी जी की उसका नाम बदल दिया, कटमनी ले लिया, खुद ही दीदी ने कबूल किया कि लोकसभा के बाद कटमनी वापस करेंगे। किसी टीएमसी के नेता ने कटमनी वापस किया? अब तोलाबाजी नहीं चलेगा, कटमनी नहीं चलेगा, कोयला चोरी नहीं चलेगा, अब सिर्फ बंगाल में विकास होगा। अब मोदी दादा के साथ पूरा देश है, पूरा बंगाल है। जब आप बात कर रहे हैं बंगाल की, पूरे भारत में, विश्व में जिस समय महामारी फैली हुई है कोरोना की, उस समय इस तरह से राजनीतिक दलों का इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करना, कैसे देखते हैं इतनी भीड़ के आने? देखिए ना, हम लोग तो सब लगाए हुए हैं मास्क, हमारे सब कार्यकर्ता मास्क लगा के चलते हैं, और जो मास्क नहीं लगाता है उसको हम सटने नहीं देते हैं। सबको कहते हैं 2 गज की दूरी होनी चाहिए, सैनिटाइज हाथ में करना चाहिए, और हम भी जेब में देखिए लेके चलते हैं सैनिटाइजर, और जहाँ थोड़ी थोड़ी देर पे सैनिटाइज करते हैं हाथ को, अभी मैंने फिर कर लिया। अगर 2 गज की दूरी रहेगी, हाथ सैनिटाइज रहेगा, प्रिकॉशन रहेगा, सबको वैक्सीन लगना चाहिए। वैक्सीन, आप मंत्री हैं, क्या वैक्सीन की कमी है बिहार में? बिहार में क्या लॉकडाउन के कोई आसार दिख रहे हैं सरकार की ओर? बिहार में लॉकडाउन के कोई आसार नहीं है, सख्ती हुई है, खुद मुख्यमंत्री 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। ऑफिसेज में हमने 33% लोग कर दिए हैं और 7 बजे सब दुकानें बंद कर दी हैं। यहाँ भी हम लोगों से कह रहे हैं कि लोकतंत्र भी जरूरी है लेकिन जान भी जरूरी है, आप यहाँ मास्क पहनिए। हमारी सब रैली में लोग मास्क पहन के आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में क्या होगी इस समय? बंगाल में चुनौती होगी पुनर्निर्माण की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बंगाल। बंगाल में माँ माटी मानुष के नाम पर दीदी आई थी, गोली बम बारूद ले आई, अब बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बना के दिखाएंगे। सपना तो सही है लेकिन साकार करना चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल एक ओर कोरोना है तो दूसरी ओर रैलियां, और सवाल कई गुना उठ रहे हैं कि राजनीतिक दल कब इस पर जागेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत समल के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, जलपाईगुड़ी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।